भ्रुकुटी के मध्य में विराजमान मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूं। मैं प्रकाश पुंज हूं, गुणों से भरपूर हूं। मुझ आत्मा की लाइट चारों ओर फैल रही है। मेरे शरीर के कण कण में समाती जा रही है। उस प्रकाश से मेरा सूक्ष्म शरीर तैयार हो रहा है। मैं धीरे धीरे फरिश्ता बन रहा हूं। देखे अपने आप को, मैं आत्मा अपने लाइट के शरीर में अपने स्थूल शरीर से डिटैच हो रहा हूं। अब मैं फरिश्ता धीरे धीरे ऊपर उड़ता जा रहा हूं। और पहुंच जाता हूं सूक्ष्म वतन में। असीम पवित्रता की दुनिया जहां चारों ओर कितनी शांति है, अनुभव करें। इस शांति की दुनिया में मैं अपने सम्मुख देखता हूं संपूर्णता का फरिश्ता, अव्यक्त बाप दादा। उसकी वो रूहानी चमक, स्नेह भरी दृष्टि, मीठी मुस्कान मुझे आकर्षित कर रही है। मैं बाबा के नजदीक पहुंचता हूं। और उसकी दृष्टि में खो जाता हूं। बाप दादा की दृष्टि से मुझे बहुत शक्ति मिल रही है। जीवन की हर परिस्थिति में विजयी होने का बल मुझ में भरता जा रहा है। बाबा अब मेरे मस्तक पर विजय का तिलक लगा रहे हैं।
और मेरे सिर पर हाथ रख दे, मुझे वरदान दे रहे हैं। बच्चे सदा विजयी भव। अनुभव करें बाबा के इस वरदान का। मैं विजयी रत्न हूं, स्वयं भगवान ने मुझे ये वरदान दिया है, इसीलिए मेरी विजय निश्चित है। विजय मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मेरे गले की माला है। बाबा के सम्मुख उनसे दृष्टि लेते हुए मैं अपने अंदर सभी शक्तियों को अनुभव कर रहा हूं। अगर आपके जीवन में कोई भी परिस्थिति है, चाहे शरीर की व्याधि, चाहे कोई रिश्तों में अनबन, कहीं धन की समस्या या और कोई भी परिस्थिति है, जिसको पार करने में आपको कठिनाई लग रही है, तो बाबा को वो बताए। विजुलाइज करें बाबा से मिली हुई शक्तियों द्वारा उस परिस्थिति में मैं विजयी बन रहा हूं। देखें वो परिस्थिति कितने आसानी से पार हो रही है। सभी समस्याओं से मुझे मुक्त कर रही है। विजय की खुशी और नशा मैं अनुभव कर रहा हूं। कोई डर नहीं, कोई चिंता नहीं, क्योंकि मेरी विजय निश्चित है। अब बाबा द्वारा मिली हुई इन शक्तियों को लेकर मैं फरिश्ता सूक्ष्म वतन से इस स्थूल वतन में लौट आता हूं।
लेकिन अब यह स्मृति है कि मैं विजयी रत्न हूं। मैं स्वयं भगवान का बच्चा हूं, तो मेरी विजय नहीं होगी तो और किसकी होगी? भगवान स्वयं मेरे साथ है, इसीलिए मेरी जीत हुई ही पड़ी है। मैं विजयी रत्न हूं। मैं विजयी रत्न हूं। ओम शांति।